जय बागेश्वर धाम सरकार, जय बालाजी सरकार। दोस्तों, आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही विशेष सूचना है जो कि आप लोगों को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि अभी फ़िलहाल बागेश्वर धाम सरकार जी की जो कथा है वो 17 अप्रैल से 21 अप्रैल तक 5 दिवसीय श्री हनुमंत कथा जो है वो कानपुर उत्तर प्रदेश में होने जा रही थी। पर अब दोस्तों, यहाँ पर हम आपको एक सूचना दे दें कि जो कथा आप कानपुर उत्तर प्रदेश में होने जा रही थी वो अभी इस समय स्थगित कर दी गई है। मतलब कि अभी जो कथा कानपुर उत्तर प्रदेश में हो रही थी, अब वो कथा कानपुर उत्तर प्रदेश में नहीं होगी। और इस बात की सूचना बागेश्वर धाम सरकार जी ने खुद अपने चैनल पर डाल के बताई है, इसीलिए हमने आपको जल्द से जल्द आप तक ये सूचना पहुँचाने की कोशिश करी है। और आप भी ये सूचना ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, क्योंकि कई सारे लोगों को पता नहीं होगा तो वो लोग मतलब कानपुर के लिए निकल जाएंगे और फिर वहाँ जाकर उन्हें पता लगेगा कि अब जो है यहाँ पर कथा नहीं हो रही होगी, तो फिर उनका जाना किसी मतलब का नहीं रह जाएगा। तो इसलिए आप लोग सभी तक ये सूचना पहुँचा दें, जो लोग भी कानपुर कथा सुनने के लिए जा रहे हैं या दिव्य दरबार के लिए जा रहे हैं, आप लोगों ने टिकट भी बुक कर लिए हों तो भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अब कानपुर उत्तर प्रदेश में 17 अप्रैल से 21 अप्रैल तक 5 दिवसीय श्री हनुमंत कथा अब नहीं हो रही है। उसका कारण ये बताया है गुरुदेव ने कि अभी उत्तर प्रदेश की जो स्थिति है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। वहाँ पर 144 जो है लागू है, जिसकी वजह से जो है अभी ये आयोजन करना वहाँ पर ठीक नहीं रहेगा। गुरुदेव ने जो भी निर्णय लिया है ये बहुत ही सही लिया है, क्योंकि अभी कानपुर उत्तर प्रदेश की वहाँ की स्थिति आप सभी लोग भी अच्छे से जानते हैं, हम आपको विस्तार से वो बात नहीं बताएंगे। तो वहाँ की स्थिति अभी बिल्कुल भी सही नहीं है, 144 जो धारा है वहाँ पर लगी हुई है। इस कारण से अभी वहाँ पर जो कथा है वो स्थगित कर दी गई है। आने वाले समय में कभी भी कथा हो सकती है, पर अभी इस समय के लिए ये कथा स्थगित कर दी गई है। तो कोई भी कानपुर उत्तर प्रदेश कथा सुनने के लिए आ रहा है या प्लान बनाकर रखा हुआ है तो वे कैंसिल कर दीजिए। अब कानपुर में कोई कथा नहीं हो रही है, भले ही वहाँ पर सारी तैयारियाँ हो चुकी हैं, पर अभी वहाँ पर ऐसी स्थिति नहीं है कि यह कथा वहाँ पर हो सके। बस ये सूचना सब तक पहुँचा दीजिए। जय बागेश्वर धाम सरकार।